हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके? एंड यू विल आल्सो गेट टू नो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ओके? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? वन मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एज. वो कंप्यूटर जो नेटवर्किंग में दूसरे कंप्यूटर के कंपेरिजन में क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है और जो अपनी सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, मैंने यहाँ पे आंसर्स को रेड कलर से मार्क किया हुआ, दैट इज सर्वर. ओके, वी नो दैट सर्वर इज द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब इज अ, वो डिवाइस जो हम हब के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? हब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? जब आप कंप्यूटर डिवाइसेस को क्या करते हो, एक दूसरे से ज्वाइन करते हो, अटैच करते हो, तो हम डिवाइसेस का यूज करते हैं नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए. ओके, तो उसमें हब है आपका, स्विच है, ब्रिज, राउटर, गेटवे, राइट? तो वो डिवाइस जो हब के प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं वो कौन सा होता है? स्विच. ओके, आप उसका कंप्लीट अगर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मेरी टॉपोलॉजी वाली वीडियो को देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि हब का क्या फंक्शन होता है, स्विच का क्या फंक्शन होता है, राइट? तो आप हब के प्लेस पे कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हो? स्विच, बिकॉज स्विच इज फार मोर इंटेलिजेंट देन हब, क्योंकि स्विच हब से ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, राइट? हब क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स उससे अटैच होते हैं, जैसे लेट अस सपोज दिस इज योर हब और उसके साथ यहाँ पे कंप्यूटर्स या और भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो हब क्या करेगा, जो भी मैसेज आएगा वो सारे के सारे सिस्टम्स को दे देगा, राइट? सेम मैसेज वो सबको ट्रांसफर कर देगा, फाइन. लेकिन अगर हब की जगह, इट वॉज आर हब, ये हमारा हब था, लेकिन हब की जगह हमने स्विच को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, स्विच सिर्फ उस डिवाइस तक मैसेज सेंड करेगा जिसके लिए वो मैसेज आया है, फाइन. ओके, तो हम हब के प्लेस पर स्विच को भी यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ, बस और स्टार टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो ट्री टोपोलॉजी क्रिएट करता है, राइट? इन ट्री टॉपोलॉजी एवरी ब्रांच कंटेन्स द स्टार नेटवर्क. कैसे होता है इसका, इस टाइप से कुछ नेटवर्क होता है. आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, वो बस बस टॉपोलॉजी की फॉर्म में होता है, ओके? और उसकी जो ब्रांचेस होती है ट्री की, वो किस में होती है, वो स्टार की फॉर्म में होती है, लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल पार्ट क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट तो आपका हो गया बस टोपोलॉजी, और उसकी जो ब्रांचेस होगी ट्री की, वो किस फॉर्म में होगी, वो स्टार की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार क्रिएट्स ट्री टोपोलॉजी. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाइएस्ट बैंडविड्थ. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम है जो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैंडविड्थ क्या होता है. बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. तो क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, कि कितना ज्यादा डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हो एक इंटरनेट कनेक्शन से, ठीक है? इट इज द अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितना ज्यादा डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप कितना डेटा सेंड कर रहे हो, ठीक है? तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी वो ज्यादा डेटा सेंड करेगा. हाईएस्ट बैंडविड्थ मींस जो बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा सेंड कर सकता है इन अ मिनिमम टाइम, फाइन. तो उसके लिए जो हाई जो कम्युनिकेशन मीडियम है, जो जिसकी हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है, वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिससे वी कैन सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिगर वॉल्यूम ऑफ डेटा इन अ लिमिटेड टाइम, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेटवर्क विद ऑल क्लाइंट कंप्यूटर एंड नो सर्वर इज कॉल्ड. ओके, वो नेटवर्क जहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्लाइंट हैं, कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं है, उस नेटवर्किंग को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, या पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर भी आप बोल सकते हो, ठीक है? इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो है जो आपका मेन नेम है वो पीयर टू पीयर,
मीन्स ऑल द कंप्यूटर्स आर पीयर, और जितने भी फ्रेंड कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एंड दे आर इक्वल इन कैपेसिटी, राइट? ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट. Which of the following protocols is used in real time internet based communication? कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करते हो लाइव कम्युनिकेशन? रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स लाइव कम्युनिकेशन, व्हेन 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 देयर इज अ लाइव कम्युनिकेशन, जब सारे के सारे ऑनलाइन हैं, जो भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, ओके, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम, ओके. तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? उसके लिए किया जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट हब? ओके, किस नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है? तो स्विच को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, दोनों की वर्किंग सेम है, ठीक है. लेकिन क्या है हब, क्या करता है? अभी मैंने आपको समझाया था, जितने भी डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं उन सबको सेम मैसेज सेंड कर देता है. अगर आप हब को रिप्लेस करते हो स्विच से, तो स्विच क्या करेगा? इट वर्क सेम लाइक हब, वो सेम की तरह ही, हब की तरह ही वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये डेस्टिनेशन डिवाइस, डेस्टिनेटेड डिवाइस के पास ही मैसेज को सेंड करता है. ओके, नाउ वी हैव आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डायरेक्शंस? ओके, और लॉन्ग डिस्टेंस भी आप कह सकते हो. वो कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल्स को, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं? डेट डिवाइस इज रिपीटर. रिपीटर क्या करता है? उसको रीजनरेट करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, मतलब उनको पावर प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या होते हैं, खत्म ना हो जाए. ओके, एंड देन इट सेंड्स देम टू द नेक्स्ट डिवाइस. ओके, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टोपोलॉजी इज इन जनरल यूज लेस वायर लेंथ कंपेयर टू अदर? वो कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे कम वायर यूज करती है? ओके, तो दैट टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हमें एक सिंगल वायर कनेक्शन केबल चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हम बस बोलते हैं, एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दैट केबल. ओके, एक सेंट्रल केबल होता है और सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, उस सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वायर की, वो बस टोपोलॉजी में होती है, फाइन. ओके, नेक्स्ट, विच वन इज द माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग मीन्स छोटे छोटे ब्लॉग्स बना सकते हो. तो दैट सॉफ्टवेयर इज ट्विटर. ट्विटर में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल ट्वीट्स क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन पब्लिश देम, फाइन. नेक्स्ट, सेंडिंग द ईमेल टू NECC मीन्स, अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो किसकी हेल्प, किस कॉलम के थ्रू? CC, कार्बन कॉपी कॉलम के थ्रू. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ सेंडिंग द मेल विद अ कार्बन कॉपी. CC का क्या मीनिंग होता है? कार्बन कॉपी, फाइन. जब आप CC के थ्रू सेंड करते हो तो क्या होता है, जितने भी IDs हैं जिनके पास मेल आती है, उनके पास पूरी लिस्ट आती है कि इस उनके अलावा और किस किस के पास सेम मैसेज गया है. ओके, ओके, द फर्स्ट पेज वी जनरली व्यू व्हेन वी ओपन द ब्राउजर इज कॉल्ड. जब आप ब्राउजर ओपन करते हो तो जो आपके पास फर्स्ट पेज आता है उसका क्या नेम होता है, राइट? उसका नेम होता है होम पेज. ओके, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड टेक्स्ट चैट. ठीक है, जब आप ऑनलाइन टेक्स्ट टॉक करते हो, टेक्सचुअल टॉक करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट चैट, राइट. Now we have URL stands for Uniform Resource Locator. UL क्या होता है? URL is the address of web document, of any web document. ठीक है, तो जितने भी वेबसाइट, जितने भी वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, उन सबका वो उन सबको किसकी हेल्प से लोकेट करते हैं? उन सबको लोकेट करते हैं URL की हेल्प से. URL क्या होता है? उनका वेब एड्रेस. ओके, नाउ कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ डैश एंड डैश टाइप. कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड में क्या आते हैं, आपके वायर्स आते हैं, केबल्स आती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन आप स्टेब्लिश करते हो. एंड अनगाइडेड में क्या आता है, आपका वायरलेस आता है, लाइक आपका वाईफाई आया, वाईमैक्स आया, ओके, आपकी रेडियो वेव्स आई, ओके, तो वो क्या हो गया, अनगाइडेड, फाइन. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क, अ सिस्टम नोन एज डैश कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ओके, तो अपने अपने नेटवर्क को आप किसकी हेल्प से अनऑथोराइज एक्सेस
किसकी हेल्प से आप प्रिवेंट करते हो अनऑथराइज एक्सेस? हम करते हैं फायरवॉल की हेल्प से। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या करता है? जो आपका इनर नेटवर्क होता है, ये आपका इनर नेटवर्क है, उसके और आउटर नेटवर्क, उसके बीच में एक वॉल क्रिएट करता है, राइट? तो जो भी डेटा आउटर नेटवर्क से जो भी डेटा इनर नेटवर्क में जाता है, वो पहले फायरवॉल चेक करता है, उसके बाद वो डेटा जाता है इनर नेटवर्क के अंदर, राइट? अगर कोई भी चीज फायरवॉल को सस्पिशियस लगती है तो उसको वहीं रोक देता है, उस साइट को, उस पर्टिकुलर डेटा को इनर नेटवर्क के अंदर जाने ही नहीं देता है, फाइन? ओके, व्हाट इज एन स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम? स्टैंड अलोन कंप्यूटर कौन सा होता है? इट इज अ कंप्यूटर विदाउट एनी नेटवर्किंग। वो कंप्यूटर जिसके जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। स्टैंड अलोन कंप्यूटर वो होता है जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता, फाइन? जनरली विच टॉपोलॉजी इज यूज इन द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट की बैकबोन बनाने के लिए कौन सी टॉपोलॉजी का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है बस टॉपोलॉजी का यूज। ओके, बैकबोन को आपने बस टॉपोलॉजी बना दिया, फिर फर्दर यू कैन क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजीज, राइट? ओके, नेक्स्ट, एचटीएमएल लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती है? जिसके जिसका डेटा चेंज नहीं होता। तो एचटीएमएल की हेल्प से हम कौन सी वेबसाइट क्रिएट करते हैं? जिसका डेटा स्टैटिक रहता है, ओके, जो चेंज नहीं होता है। नाउ वी हैव 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नोड? नोड क्या होता है? अ नोड इज एनी एक्टिव फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच्ड टू अ नेटवर्क। दीज डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ आइदर सेंडिंग, रिसीविंग और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन। वो डिवाइसेस जो नेटवर्क से अटैच होते हैं उनको बोलते हैं हम नोड, ओके, राइट? कोई भी डिवाइस, फिजिकल डिवाइस जो नेटवर्क से अटैच होता है उसको नोड कहते हैं। और ये जो नोड होते हैं वो क्या वर्क करते हैं? दे कैन सेंड, दे कैन रिसीव और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं, और इसको इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ओके? समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मीन्स ये तीनों काम भी कर सकते हैं। या तो ये सिंपल एक ऐसे डिवाइस है जो सिंपली इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे, या सिंपली इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, राइट? या फिर ये तीनों वर्क कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सेंड एंड फॉरवर्ड तो सेम ही है, ठीक है? तो इसके एग्जांपल क्या है? ब्रिज, स्विच, हब, जो जो क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास मैसेज आता है ये फर्दर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है? मॉडम्स, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स नेटवर्क में अटैच होते हैं, डेटा सेंड करते हैं। प्रिंटर्स, सर्वर्स, तो ये सब क्या है? नेट सॉरी नोड। तो नोड क्या है? बेसिकली नोड इज एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ओके, एंड विच परफॉर्म सम फंक्शंस। लाइक इट कैन सेंड द डेटा और इट कैन रिसीव द डेटा, ओके, इट कैन फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन, राइट? और एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है? कोई भी वन और टू नेम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम लैन और नेटवर्क्स? इंटरनेट लैन नेटवर्क से कैसे डिफरेंट है? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट जो बनता है वो क्या होता है? छोटे छोटे नेटवर्क को ज्वाइन करके बनता है, क्योंकि क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है, ठीक है? जो जो कहाँ तक, कहाँ स्प्रेड है? पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, राइट? और लैन क्या होता है? लैन इज ओनली अ सिंगल नेटवर्क। लैन एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो हम किसी एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, जगह पे बनाते हैं। लाइक आपकी कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर, सॉरी कंप्यूटर लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब के अंदर, सॉरी कंप्यूटर लैब के अंदर आपने क्या किया, सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके एक लैन नेटवर्क क्रिएट कर दिया, फाइन? किसी ऑफिस के अंदर क्या हुआ, सारे टर्मिनल्स को ज्वाइन करके लैन नेटवर्क बना दिया। तो क्या डिफरेंस है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, राइट? बट लैन इज अ सिंगल नेटवर्क, फाइन? नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ आईएसपी इन इंटरनेट नेटवर्क्स? आईएसपी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होती है? कंपनीज होती है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शंस एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या है? आईएसपी कंपनीज हैं जो इंटरनेट कनेक्शंस
प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को भी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ठीक है। ले आपकी एयरटेल है, आपका जियो है, तो ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, फाइन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकली टाइप ऑफ नेटवर्क, मीन्स हम नेटवर्क जो क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। हम ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं कि अगर छोटा एरिया कवर किया तो लैन हो गया, अगर सिटी को कवर कर रहा है नेटवर्क तो मैन हो गया, और वर्ल्ड को कर रहा है तो वैन हो गया, राइट। तो इसमें बताना है कि कौन सा ज्योग्राफिकली टाइप नेटवर्क नहीं है। लैन आपका नेटवर्क होता है, मैन पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईमैक्स क्या होता है जो आपका वाईफाई थोड़े लार्ज एरिया में एरिया को कवर करता है उसे वाईमैक्स बोलते हैं, राइट। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पे हमारा क्या है, टेन। टेन क्या है, किसी भी टाइप का नेटवर्क नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, टेन, ठीक है, ये कोई भी नेटवर्क नहीं है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर, मैं एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल हूँ, ठीक है, और मैं कहाँ क्रिएट होती हूँ, यूजर्स के कंप्यूटर पे क्रिएट हो जाती हूँ। कंटेन स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक अ यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री एज वेल एज प्रेफरेंसेस। और इस जो पर्टिकुलर फाइल क्रिएट होती है उसमें क्या क्या डेटा स्टोर होता है, यूजर नेम स्टोर करती है वो, पासवर्ड करती है, और यूजर की ब्राउजिंग प्रेफरेंस की यूजर कौन कौन सी साइट्स को विजिट करता है, ठीक है, यूजर का इंटरेस्ट क्या है, वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर करती है, राइट। मे हेल्प टू इम्प्रूव यूजर्स वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। और ये जो फाइल होती है वो क्या करती है, जैसा यूजर सर्च करता है वैसा ही सर्च मटेरियल उसको प्रोवाइड करती है। तो ये कौन सी फाइल है, इसका नाम क्या है, हु एम आई, तो ये क्या है, कुकीज है, फाइन। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, कुकीज के हैं, राइट। ओके, हाउ इज अ डोमेन नेम डिफरेंट फ्रॉम अ यूआरएल, डोमेन नेम यूआरएल से डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और डोमेन नेम का यूज किया जाता है यूआरएल में, ठीक है। देखो, यूआरएल नेम्स आर यूज्ड इन, सॉरी, डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन यूआरएल्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब सर्वर। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, हमारे पास यूआरएल है https://www.cbse.nic.in, ओके, welcome.html, ओके। तो यहाँ पे https क्या है, प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, ठीक है। तो और यहाँ पे डोमेन नेम क्या है, www.cbse.nic.in, जो ये डोमेन होता है वो क्या होता है, वेबसाइट का नेम होता है, ओके। वेबसाइट कह सकते हो आप, या फिर वेब सर्वर भी कह सकते हो, ठीक है, ओके, जहां से आपके पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ओके। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का आप कौन सा पेज ओपन हुआ है, welcome.html, फाइन, ओके। सो व्हाट इज, इसमें है ना क्वेश्चन, हाउ इज अ डोमेन नेम डिफरेंट फ्रॉम अ यूआरएल, तो यूआरएल क्या है, यूआरएल इज द कंप्लीट एड्रेस, वेब एड्रेस, एंड डोमेन नेम इज द पार्ट ऑफ द यूआरएल, ठीक है। डोमेन नेम क्या है, यूआरएल का एक छोटा सा पार्ट है, ओके। और डोमेन नेम क्या होता है, पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम, आप इसको वेबसाइट नेम भी बोल सकते हो, वेब सर्वर भी बोल सकते हो, फाइन। ये सीबीएसई के सर्वर से ही आपके पास वेबसाइट आएगी ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स इन साइड अ लैब, कंप्यूटर लैब में अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो कौन सा डिवाइस यूज करोगे, राइट। तो जब हम सिंपल सिंपल लैन नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, लैन नेटवर्क्स बनाते हैं, तो वहां पे हम या तो हब का यूज करते हैं या स्विच का यूज करते हैं, ओके। सो वी कैन यूज आइदर हब और स्विच, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of a network out of LAN, PAN and MAN is formed when you connect two mobile using Bluetooth to transfer a video? ओके, तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क बनेगा जब आप दो मोबाइल फोन से क्या कर रहे हो, वीडियोस को ट्रांसफर कर रहे हो, दो मोबाइल से वीडियोस ट्रांसफर हो रही है, और किसकी हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से। तो यहाँ पे ये कौन सा नेटवर्क बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो क्या होता है, आपका पर्सनल नेटवर्क होता है और बहुत ही स्मॉल एरिया में जो वर्क करता है, राइट। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्वर इन अ नेटवर्क। सर्वर का क्या पर्पस होता है एक नेटवर्क के अंदर? तो सर्वर क्या है? सर्वर मेन कंप्यूटर होता है जो क्या होता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइन, अ सर्वर मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क। तो सर्वर क्या करता है, नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स उससे अटैच होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच नोड इज कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली यूजिंग अ स्विच। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे क्या होता है, जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो स्विच से कनेक्ट होते हैं। तो वो टोपोलॉजी होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, राइट। जिसमें क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं होते। फाइन, वो सिर्फ किससे अटैच होते हैं, वो स्विच से अटैच होते हैं। ओके, नाउ वी हैव 2 मार्क्स क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। साहिल अ क्लास 10th स्टूडेंट हैज जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज। ओके, साहिल क्लास 10 का स्टूडेंट है जो जिसने अभी अभी समझना स्टार्ट किया कि इंटरनेट क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है। फाइन, ही इज अ बिट कंफ्यूज इन बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। तो वो क्या किस में कंफ्यूज हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है। फाइन, हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द टर्म्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपको क्या करना है, उसको समझाना है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो आंसर पढ़ने से पहले मैं सिंपली आपको बताती हूँ, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। इंटरनेट क्या है, कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ओके, द नेटवर्क विच इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग द डिवाइसेस। तो इंटरनेट में क्या है, जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस है इंटरनेट, ठीक है। अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, फाइन। लेकिन अब क्या है, इस कनेक्शन का फायदा क्या है? कनेक्शन का फायदा तभी है जब ये कनेक्शन होने के बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्या हो सके, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको प्रोवाइड की जा सके, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट ने क्या किया, जितने भी डिवाइसेस हैं उनका नेटवर्क बना दिया, उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। फाइन, अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन है जो कौन प्रोवाइड करता है, जो इंटरनेट पे हमें मिलती है, ठीक है, जो इंटरनेट की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, तो आप ऐसे समझो जैसे इंटरनेट क्या है, एक बॉक्स है, और जो उस बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है, जो भी सामान है, वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। वो जो भी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। तो सिंपल टर्म्स में आप ये भी बोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट। और यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दे रखी है कि क्या कह रहा है, कि सेट ऑफ प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जितने भी रूल्स फॉलो होते हैं इंटरनेट पर, दैट अलाउस द मल्टीमीडिया एंड द हाइपर टेक्स फाइल्स टू बी क्रिएटेड। जो क्या करते हैं, मल्टीमीडिया और हाइपर टेक्स फाइल्स को क्रिएट करते हैं, उन्हें डिस्प्ले करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया ये वेबसाइट का, जो आपको इंटरनेट की हेल्प से मिलती है, microsoft.com, amazon.com etc. फाइन, इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मत लिखना बच्चों। आप क्या करना, सिर्फ इतना लिखना, वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो द वेब डॉक्यूमेंट्स, द डिफरेंट वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के नेम लिख देना। फाइन, अब देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। While internet is a collection of computers or networking devices connected together, world wide web is a collection of documents. ये क्या कह रहा है, इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जो एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फाइन,
फाइन। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड बाय स्पेशल लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक्स। फाइन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और ये डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से किसकी हेल्प से अटैच्ड है? ये लिंक है हाइपरलिंक्स की हेल्प से। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट बट इट इज नॉट द इंटरनेट। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पार्ट है लेकिन इंटरनेट नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया जैसे क्या है, यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस थे ठीक है, वो किसकी हेल्प से कनेक्ट हुए? वो इंटरनेट नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट हुए, राइट। अब इस नेटवर्क में हमें क्या मिल रहा है? हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? वर्ल्ड वाइड वेब से आ रही है। जैसे क्या है, इंटरनेट एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर क्या है? उस बॉक्स के अंदर है वेब ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जाला जो आपको मिलता है ठीक है, जिसको आप एक्सेस करते हो इस नेटवर्क की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट है आर्पनेट। आर्पनेट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। फाइन, ओके। तो आर्पनेट क्या था? जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो इंटरनेट के लिए जिसकी नींव पड़ी थी, जो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसने बाद में इंटरनेट का क्या लिया? फॉर्म लिया। ओके, दैट इज आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इज आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी कौन सी होती है? कंपनीज होती है जो क्या करती है? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट। नेक्स्ट वी हैव द यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? इट इज द एड्रेस ऑफ ऑल द वेब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल क्या होता है? एड्रेस होता है वेब डॉक्यूमेंट का। फाइन, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था तो इनको एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे आपने उनकी फुल फॉर्म दी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन होम पेज, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ होम पेज। होम पेज क्या होता है? ओके, अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज, राइट। टू एडवांटेजेस ऑफ द होम पेज आर एज फॉलोज। एडवांटेज क्या होता है होम पेज का? इट हेल्प्स व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन दैट साइट। होम पेज से पता चल जाता है व्यूअर्स को कि उन्हें वेबसाइट में अंदर जाने पर और पेजेस को देखने पर क्या मिलेगा, ठीक है। होम पेज पे ही पूरे का पूरा क्या होता है, लिंक्स दिए होते हैं। जैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं वो होम पेज पे ही दिए हुए हैं। आप वहां से एकेडमिक में जा सकते हो, करिकुलम में जा सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं पेजेस पे आप जा सकते हो। पब्लिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी। और होम पेज ही इतना एट्रैक्टिव होता है जो क्या होता है, पूरी वेबसाइट की पब्लिसिटी करता है, राइट। अगर होम पेज ही एट्रैक्टिव नहीं होता तो क्या होता है, वी डोंट प्रिफर टू ओपन द अदर पेजेस, ठीक है, हम उसके और पेजेस को ओपन नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई जी कंसल्टेंसी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स ब्रांच ऑफिस इन दिल्ली टू इट्स हेड ऑफिस इन लंदन, ठीक है। तो एक्स वाई जी कंसल्टेंसी है जो क्या प्लान कर रहा है, अपने ब्रांच ऑफिस जो उसके दिल्ली में है उनको कनेक्ट करना चाहता है कहाँ पे, जिस हेड ऑफिस से जो कहाँ पर है, लंदन में। फाइन, राइट वन वे टू कनेक्ट। आपको बताना है किस वे से वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। वट टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन वैन मैन विल बी फॉर्म्ड, और ये किस टाइप का नेटवर्क होगा, राइट। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी है उसकी ब्रांचेस कहाँ है? दिल्ली में, और हेड ऑफिस कहाँ है? लंदन में। ओके, तो यहाँ पे किस वे से वो कनेक्ट हो सकते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। फाइन, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। और किस टाइप का नेटवर्क होगा ये होगा वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन, ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका अ बिगनर इन आईटी फील्ड हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज, हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल जर्नल एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, तो प्रियंका को हमें समझाना है कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबको पता है वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन क्या होता है वेबसाइट? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मींस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं एंड ऑल द वेब पेजेस आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक,
फाइन, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लो, वेबसाइट क्या है आपकी? बुक है. ओके, वेबसाइट क्या है आपकी? बुक है. ओके, और उस पेज, उस पर्टिकुलर बुक का वन पेज क्या हो जाएगा? वेब पेज. फाइन, तो यहाँ पे हम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज इज दैट अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. ओके, अ वेब पेज इज एन इंडिविजुअल पेज इन अ बिग वेबसाइट यूजली कंटेनिंग मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. और वेब पेज क्या होता है? एक इंडिविजुअल वेब पेज क्या होता है? एक इंडिविजुअल पेज होता है वेबसाइट का. राइट, इफ वी कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक देन अ वेब पेज कैन बी कंपेयर्ड विद अ सिंगल पेज ऑफ दैट बुक. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेबसाइट क्या है? एक बुक है, तो उसका सिंगल पेज क्या है? वेब पेज है. राइट, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमन, अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, हैज बीन असाइंड अ टास्क टू डिजाइन फ्यू वेब पेजेस फॉर अ बुक शॉप. ठीक है, तो अमन को क्या वर्क मिला है? उसको कुछ वेब पेजेस डिजाइन करने हैं एक बुक शॉप के लिए. ओके, हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट ऑफ स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिजाइन बाय क्लियरली डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस ऑन एटलीस्ट टू पॉइंट्स. तो यहाँ पे अमन को क्या बताना है कि स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है. ओके, तो स्टैटिक वेब पेजेस कौन से होते हैं? जो नॉर्मली क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इंटरेक्टिव नहीं होते, उनकी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहती है. और डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? जिसमें आप क्या कर सकते हो, यूजर क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है. जैसे जब वो बैंक अकाउंट की वेबसाइट यूजर ओपन करता है, तो वहां पे अपने क्लिक करके डेटा क्या कर सकता है, अपना अकाउंट मैनेज कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है. तो वो होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस. ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं स्टेटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. ओके, फर्स्ट वी हैव द स्टेटिक वेब पेज. कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज्ड एट रन टाइम. तो ये क्या कह रहा है? इस टाइप के वेब पेज का कंटेंट चेंज नहीं होता जब हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं रन टाइम. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं. फाइन, डायनेमिक वेब पेज, कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम. और ये अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द रीजन चेंज हो जाता है डायनेमिक वेब पेजेस का. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर ये चेंज हो जाता है. फाइन, ओके. स्टेटिक, नो इंटरेक्शन विद सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्टेटिक वेब पेज. तो जब स्टेटिक वेब पेज होती है, तो उसमें आप कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते डेटाबेस से. कोई भी आपको सिंपली एक इंफॉर्मेशन मिली है, आप उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. राइट, ठीक है, आप कोई भी उसके अंदर मतलब कोई इंटरेक्टिविटी वो प्रोवाइड नहीं करता. फाइन, बट इंटरेक्शन जब डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेक्शन विद सर्वर्स डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेज. ठीक है, आप सर्वर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. ठीक है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप कुछ चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये वो कहाँ पे पॉसिबल है? वो डायनेमिक वेब पेज में पॉसिबल है. इसका मैंने कंप्लीट टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया है डिफरेंस. ठीक है, आप इसको मैंने जो वीडियोस बनाई है कंप्यूटर नेटवर्क की, वहां पे जाके इसको देख सकते हो. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल्स, कन्वर्ट वॉइस इनटू अ डिजिटल सिग्नल दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट, अलाउ यू टू मेक अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर. ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं हूँ जो आपको वॉइस कॉल करने में हेल्प करता हूँ. ठीक है, आपको कंप्यूटर से डायरेक्ट आप वॉइस कॉल कर सकते हो इसकी हेल्प से. ठीक है, ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रेवल ऑन द इंटरनेट. ठीक है, ऐसे सिग्नल्स में जो इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप वॉइस कॉल करते हो. ठीक है, आप इंटरनेट में क्या, इंटरनेट जैसे आप व्हाट्सएप से वॉइस कॉल करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से वॉइस कॉल प्रोवाइड करती है. फाइन, ओके, लाइक योर यू हैव स्काइप, फेस टाइम, तो बहुत सारे यहाँ पर हैं जो आपको VoIP की हेल्प से वॉइस कॉल्स प्रोवाइड करते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
राइट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड एन ईमेल रिसीव एन ईमेल। आपको प्रोटोकॉल्स के नेम बताने हैं जिसकी हेल्प से आप ईमेल को सेंड करते हो और ईमेल को रिसीव करते हो। फाइन, टू सेंड एन ईमेल वी हैव सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल किसकी हेल्प से सेंड होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ईमेल रिसीव किसकी हेल्प से होता है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल की हेल्प से आपके अकाउंट को ईमेल क्या होता है? रिसीव होता है। फाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारुल हैज क्रिएटेड अ वीडियो एंड अपलोडेड इट ऑन हर वेबसाइट बट शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन ओपनिंग इट ऑन सम ब्राउजर्स। पारुल ने क्या किया, एक वीडियो बनाई और उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, राइट? बट क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ ब्राउजर्स में वो वीडियो ओपन नहीं हो रही है। फाइन, शी हैज हर्ड ऑफ add-ons and plugins but doesn't know the difference between them, help her in understanding these terms। तो उसको उसने सुना है कि add-ons या plugins use करने से video चल सकती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि इसके बीच में difference क्या है, राइट? तो बेसिकली एडोन्स एंड प्लगइन्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एडोन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स दैट हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर। ठीक है, एडोन्स क्या होते हैं और प्लगइन्स वो टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ब्राउजर्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। फाइन, एडोन्स आर टूल्स दैट गेट इंटीग्रेटेड इन टू आर ब्राउजर्स। एडोन्स क्या होते हैं, हमारे ब्राउजर्स के अंदर एड हो जाते हैं, फाइन, इंटीग्रेट हो जाते हैं। दे आर सिमिलर टू रेगुलर एप्स और प्रोग्राम। और क्या होते हैं, रेगुलर एप्स या प्रोग्राम्स की तरह ही होते हैं बट ओनली रन्स व्हेन द ब्राउजर रन्स। लेकिन ये कब रन करेंगे, जब आपका ब्राउजर रन करेगा। ये इंडिविजुअली रन नहीं करते, ये तभी रन करते हैं जब आपका ब्राउजर रन करता है। एडोन्स कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट। एडोन्स की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेब कंटेंट को क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। फाइन, नाउ वी हैव द प्लगइन्स। अ प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन एड ऑन टू अ वेब ब्राउजर एंड गिव्स द ब्राउजर एडिशनल फंक्शनैलिटी। प्लगइन क्या है, प्लगइन भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर जो एड ऑन की तरह वर्क करता है और ब्राउजर को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। Fine, plugins can allow a web browser to display additional content it was not originally designed to display. Okay, तो plugins वो content आपका display करने में help करता है जो आपका browser पहले नहीं कर सकता था। ठीक है, आपके browser का ऐसा design बनाया हुआ था कि वो content वो पहले display नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसे आपका Adobe Flash Player होता है जो आपको क्या करना होता है, इसमें extra उसको add on करना पड़ता है। ठीक है, it is like a plugin. राइट, तो जब आप फ्लैश कुछ जो होते हैं आपके ब्राउजर्स वो फ्लैश एडोब फ्लैश प्लेयर उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ता है तभी वो वीडियोस चलाते हैं, अदरवाइज वो नहीं शो करते वीडियो, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन एक्सेसिंग वेब पेजेस। मैं वो सॉफ्टवेयर हूँ जिसकी हेल्प से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस को। ऑल्सो हेल्प यूजर्स इन नेविगेटिंग वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड वेब। और मेरी हेल्प से ही क्या होता है, आप वर्ल्ड वाइड वेब को क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। एक वर्ल्ड वाइड वेब को आप अच्छे से उसकी चीजों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की हेल्प से ही आप क्या करते हो, वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, लाइक योर गूगल क्रोम, मोजिला, राइट, ओपेरा। तो ये क्या है, ये आपके वेब ब्राउजर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। फाइन, नेम एनी टू चैट सॉफ्टवेयर। आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो चैट सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं। तो यहाँ पे हमने दो चैट सॉफ्टवेयर बता दिए, एमएसएन मैसेंजर एंड याहू मैसेंजर। ये दोनों क्या है, हमारे चैट सॉफ्टवेयर। ओके, Now we have next question. Tilak wants to set up a network in his office that deals with different products and services. Tilak क्या चाहता है, अपने office में network create करना चाहता है। उसके office में क्या होता है, different products and services provide किए जाते हैं। ठीक है, deals करता है different products के, उसका office deal करता है different products और services के साथ। Okay, he wants to connect all the computer using bus topology. और वो कैसा network create करना चाहता है, वो bus topology की form में network create करना चाहता है। Okay, but he is confused about the advantages and disadvantages of this topology. Help him understand this topology. तो वो क्या है, confused है कि बस topology के क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं. So we have to tell the Tilak, right?
ओके, बस टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय वन सेंट्रल नेटवर्क केबल और कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसको हम बस बोलते हैं, और जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो उससे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उस सेंट्रल केबल से ही सारे के सारे आपके टर्मिनल्स, सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। फाइन, तो अब इसकी हमें क्या बताने, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने। तो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस है, सिंस देयर इज अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड्स, द बस टोपोलॉजी यूजेस अ वेरी शॉर्ट केबल लेंथ। तो बस टोपोलॉजी का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर केबल जो यूज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो सिंगल सेंट्रल केबल होती है उससे ही सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं। ओके ओके, विच कंसिडरेबली रिड्यूसेस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और जब यहाँ जहाँ पे केबलिंग कम है वहां पे क्या होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाइन, तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, फॉर डिटेक्शन एंड आइसोलेशन आर डिफिकल्ट, दिस इज बिकॉज कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क इज नॉट सेंट्रलाइज इन एनी पर्टिकुलर नोड। If a node is faulty on the bus, detection of fault may have to be performed at many points on the network. The faulty node has then to be rectified at that connection point. तो इसका जो disadvantage है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी क्या है, कंट्रोलिंग नोड नहीं है। ठीक है, जितने भी नोड्स होते हैं वो अपना डेटा कहाँ सेंड करते हैं, सेंट्रल बस पे सेंड करते हैं। मान लो यहाँ पे ये कंप्यूटर ए है, उसको अपना डेटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, राइट, बी को सेंड करना है। ये बी थोड़ा अजीब बना हुआ है, लाइक दिस। ओके, तो क्या करेगा, ये जो अपना डेटा है, मैसेज है, वो सेंट्रल नोड पे सेंड कर देगा। अब ये डेटा क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल, लेफ्ट में भी ट्रेवल करेगा और राइट में भी ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जितने भी नोड्स होंगे कनेक्टेड, जितने भी नोड्स इस बस से कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे डेटा को चेक करेंगे कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या वो उनका तो नहीं है, क्या ये मैसेज उनके लिए तो नहीं है, राइट। और जिस भी पर्टिकुलर नोड के लिए वो मैसेज होगा वो उसको क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, ये जो नोड है, ओके, यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग नोड नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है। तो अगर कोई भी फॉल्ट आती है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नोड्स हैं उनको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक क्यूबरसम प्रोसेस बन जाता है, एक लंबा प्रोसेस बन जाता है फॉल्ट डिटेक्शन का। फाइन, नाउ वी विल डू केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे के आते हैं 4 मार्क्स के आते हैं। फाइन, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नतालिया क्रिएशंस अ स्टैंड अप फैशन हाउस हैज सेट अप इट्स मेन सेंटर एट कानपुर उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ड्रेस डिजाइनिंग प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या है, नतालिया क्रिएशन है जिसने क्या किया है, अपने एक पूरा सेटअप बनाया है। ओके, जो उसमें क्या है, ब्लॉक्स हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का है, प्रोडक्शन का है, सप्लाइंग अलग अलग एक्टिविटीज का है। ओके, इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो 4 बिल्डिंग्स है जहाँ पे अलग अलग काम होता है, डिजाइन, ओके, एडमिन ब्लॉक, डिजाइन, प्रोडक्शन एंड सप्लाई। ओके, ये अलग अलग बिल्डिंग्स है। फाइन, डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स इज एज फॉलो। जो जो ब्लॉक्स है उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया गया है, A to D 50 मीटर, देन A to P 60 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस है। ओके, ये पूरा एक पर्टिकुलर सेटअप है जिसके अंदर क्या है, 4 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है एडमिन ब्लॉक, दूसरी है डिजाइन ब्लॉक जहाँ पे डिजाइनिंग होती है, प्रोडक्शन ब्लॉक जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, एंड सप्लाई ब्लॉक जहाँ से सप्लाई होती है। ओके, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक, और जितनी ब्लॉक्स हैं उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, राइट। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है, इसके बेस पर हमें क्या दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं। फाइन, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। फाइन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ लैन वैन एंड मैन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस। ओके, अगर हम क्या करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक पर्टिकुलर कैंपस में उनको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे एडमिन ब्लॉक के कंप्यूटर्स हैं, डिजाइन ब्लॉक के कंप्यूटर्स हैं, उनका एक नेटवर्क बनाए, एडमिन ब्लॉक के कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाए, प्रोडक्शन ब्लॉक के कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाए, तो किस तरीके का नेटवर्क बनेगा। ओके, तो हमें ये पता है जब स्मॉल एरिया में जब नेटवर्क बनाते हैं तो कौन सा नेटवर्क होता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, एज कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड विद इन द सेम कैंपस विद इन अ स्मॉल रेंज। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, लैन नेटवर्क बन जाएगा।
ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द टोपोलॉजी विच शुड बी, अगर हम डिफरेंट ब्लॉक्स के कंप्यूटर्स को भी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा लैन ही बनता है, राइट? सजेस्ट द टोपोलॉजी विच शुड बी यूज्ड टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग्स विद इन कानपुर सेंटर फॉर फास्ट कम्युनिकेशन. अगर हमें क्या करना है, टॉपोलॉजी बनानी है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे हमें टॉपोलॉजी सजेस्ट करनी है. वी शुड बी एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग, और वो टॉपोलॉजी की हेल्प से हमें क्या करना है, ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है. ओके, ऑल्सो ड्रॉ द केबल लेआउट फॉर द सेम. तो यहाँ पे हम कौन सा टॉपोलॉजी का यूज करेंगे, स्टार टॉपोलॉजी का. जब बेसिकली हम लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं वहां पे हम स्टार टॉपोलॉजी का ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा टॉपोलॉजी यूज करें, स्टार टॉपोलॉजी, राइट? ओके, और अगर हमें केबल्स लेआउट दिखाना है कि केबल से कनेक्शन चाहिए तो हमने क्या किया, केबलिंग, यहाँ पे इस टाइप से केबल कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे देखो आपने ए टू डी किया है, देन यहाँ से डी टू एस किया हुआ है एंड डी टू प्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए, राइट? के नेक्स्ट, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन. अगर हमें क्या करना है, रिपीटर का यूज करना है और हब और स्विच का यूज करना है तो हम कहाँ करेंगे इस पर्टिकुलर सेटअप में, ठीक है? तो ये क्या है, रिपीटर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन ब्लॉक डी एंड ब्लॉक पी. तो ये क्या कह रहा है, ब्लॉक डी और पी के बीच में रिपीटर का यूज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि पी और डी का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, 150 मीटर का है. तो जहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम रिपीटर का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, सिग्नल्स हमारे डैमेज ना हो, कमजोर ना पड़े, ठीक है? रिपीटर क्या करता है, उनको रीजनरेट कर देता है, फाइन? और नेक्स्ट क्या है, आपको हब और स्विच को प्लेस करना है, वो कहाँ करोगे? हब एंड स्विच शुड बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर टूगेदर. ओके, अब हब और स्विच कहाँ पे यूज होंगे, वो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, वहां पे आप नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हब और स्विच का यूज करोगे. तो हब और स्विच क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब में यूज होंगे, ओके, टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, फाइन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अ डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज फ्रिक्वेंटली बाय द कंपनी टू डिस्कस द प्रोडक्ट डिटेल्स विद द क्लाइंट, ठीक है? कंपनीज क्या करती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं अपने क्लाइंट्स से प्रोडक्ट को डिस्कस करने के लिए. नेम एनी वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर. तो आप किसी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो यहाँ पर. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक टीम्स, जूम, स्काइप. ओके, तो ये सारे क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है. ओके, ऑल्सो मेंशन द प्रोटोकॉल विच इज यूज इंटरनली इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए. ओके, और या वीडियो सॉरी या फिर इंटरनेट कॉलिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइन? Now we have next question. A company in mega enterprises has four wing of buildings as shown in the diagram. ठीक है, एक कंपनी है जिसकी चार विंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, W1, W2, W3 एंड W4. ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस दिया हुआ है. ओके, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग. और विंग्स में कितने कंप्यूटर्स हैं, W1 विंग में 150 है, W2 में 15 है, W3 में 15 है, W4 में आपका 25 है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सेटअप वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. तो हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे वन बाय वन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन. अगर आपको केबल से कनेक्ट करना है विंग्स को तो आप कौन सा लेआउट दोगे. तो सिंपली हमने क्या किया, W1 कनेक्टेड टू W2, W2 W4 एंड W1 टू W3. तो हमने एक सिंपल सा केबल का लेआउट दे दिया है, फाइन? ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में. नाउ सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स. विंग्स के बीच में अगर आपको टॉपोलॉजी क्रिएट करनी है, नेटवर्क क्रिएट करना है, तो आप कौन सी टॉपोलॉजी यूज करोगे. मैंने अभी आपको बताया था, जब आप लैन नेटवर्क क्रिएट करते हो तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, कौन सी टॉपोलॉजी यूज करते हैं, स्टार टॉपोलॉजी, राइट? तो यहाँ पे हमने आंसर दिया स्टार टॉपोलॉजी, फाइन? ओके, द कंपनी वॉन्ट्स इंटरनेट एसेसिबिलिटी इन ऑल विंग्स, सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी. कंपनी क्या चाहता है, इंटरनेट कनेक्शन चाहता है सारे विंग्स में,
तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रॉडबैंड जो होता है वो हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, लाइक फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस केबल, डीएसएल और सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, राइट? सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन इफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक, राइट? हमें बताना है कि अगर कंपनी चाहती है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो बहुत कम हो, तो वो ये डिवाइसेस कहाँ कहाँ यूज किए जाएं। रिपीटर, हब एंड स्विच। तो यहाँ पे रिपीटर हमने क्या कर दिया है, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों रिपीटर क्यों नहीं चाहिए? रिपीटर्स मे बी स्किप्ड एज पर द अबव लेआउट बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या है, जो हमने जो लेआउट बनाया है उसमें वो डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर से कम है, तो हमें रिपीटर की जरूरत नहीं है। लेकिन हब और स्विच हमें क्या चाहिए, हर बिंग में चाहिए, उसके कंप्यूटर्स का क्या करने के लिए, क्रिएट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, फाइन? तो आप स्विच का यूज करोगे हर बिंग के अंदर, लेकिन रिपीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो W3 to W1 ये जो हमारा है वो 50 मीटर है, फाइन? W1 to W2 ये हमारा क्या है, 60 मीटर है, फाइन? W2 to W4 ये हमारा क्या है, 25 मीटर है। तो ये डिस्टेंस क्या है, 100 से कम है, तो ये रिपीटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइन? वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्चुअल कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर सेटअप है जहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? वर्चुअल कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है, और जितने भी ब्लॉक्स है उसमें कंप्यूटर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट यही होते हैं, यही सेम पैटर्न होता है, फाइन? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं एक दूसरे से, ओके? फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ सुटेबल रीजन, ठीक है? आपको वो ब्लॉक सजेस्ट करना है जिसके अंदर क्या, जिसको आप क्या बना सकते हो, सर्वर बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का, ओके? तो द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर इज ब्लॉक सी। तो जो हमारा मोस्ट सुटेबल ब्लॉक है वो सर्वर सी है, ठीक है? क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ओके? ब्लॉक सी में आपके सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है, 125 कंप्यूटर्स हैं, तो इसको आप एज अ सर्वर क्रिएट कर सकते हो, फाइन? तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ये सर्वर बनाया जा सकता है। विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्लेस इंस्टॉल इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दीज ब्लॉक्स। तो जो ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, स्विच। देखो हमने जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर डिवाइसेस को इंटरनल नेटवर्क बनाने के लिए हमने स्विच का ही यूज किया है। तो मैंने आपको बताया कि इनके आंसर सेम होते हैं। आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अगर कोई सा भी दूसरा क्वेश्चन आता है आप इजीली उसके आंसर दे सकते हो, फाइन? तो जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं उनके अंदर नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे, स्विच। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। अब ये कह रहा है कि रिपीटर आप कहाँ कहाँ पे प्लेस करोगे ये आपको बताना है विद जस्टिफिकेशन, मतलब उसका रीजन भी देना है। रिपीटर मे बी प्लेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज मोर देन 70 मीटर्स। तो रिपीटर आप कहाँ पे करोगे, जब आपका डिस्टेंस दो बिल्डिंग में 70 मीटर से ज्यादा हो। तो कहाँ कहाँ करना है, ब्लॉक बी टू ब्लॉक सी, ठीक है? ब्लॉक बी टू ब्लॉक सी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 120 मीटर, फाइन? ब्लॉक ए टू ब्लॉक डी, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 170 मीटर, एंड ब्लॉक बी टू ब्लॉक डी 150 मीटर। तो ये सारे क्या है, 100 से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिपीटर्स का यूज करना होगा, फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स ऑफिस टू एन ऑफिस इन द हिली एरियाज, सजेस्ट द वे टू कनेक्ट इट्स इकोनॉमिकली, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, इन ऑफिसेस को अपने एक हेड ऑफिस से या एक मेन ऑफिस से कनेक्ट करना चाहता है जो हिली एरियाज में। तो यहाँ पे वो चाहता है कि कौन सा वे यूज किया जाए, राइट? सो वी कैन यूज रेडियो वेव्स बिकॉज दीज वेव्स आर इजी टू जनरेट, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैन पेंट्रेट माउंटेन्स इजिली। रेडियो वेव्स क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स को पेंट्रेट कर सकते हैं, और ये क्या है, एक इजी वे है नेटवर्क क्रिएट करने का, फाइन?
ओके चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन थे, आप अगर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको इजिली कंप्लीट कर सकते हो। फाइन, तो हियर वी हैव डन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्किंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, राइट, कीप सेफ, बाय बाय।